सेवन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 5 है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो इसका जो पेज नंबर 1 है और बुक का पेज नंबर 78 है उसमें क्या कंटेंट है वो हम बात करेंगे। देखो एक्सपोनेंट एंड पावर को समझते हैं वो होता क्या है। देखो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से ही, देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की पावर 5 पाँच बार मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 5। तो बेटा ऐसे यहां पे देखो 1/2 कोई नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 1/2 1/2 खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने बार हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1/2 की पावर कितनी 7। तो बेटा यहां पे जो 3 है नीचे का नंबर 3 है और ये पावर 5 है, इसको हम क्या बोलते हैं, 3 होता है बेस और 5 क्या होती है पावर। पावर के 3 नाम है, एक्सपोनेंट पावर बोलो या डिग्री बोलो। तो एक्सपोनेंट फॉर्म कब बनती है, कोई नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होता है तो एक्सपोनेंट फॉर्म बनती है। देखो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से कितनी बार, 3 बार, तो 4 की पावर 3। -2 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 4 बार, तो -2 की पावर 4। ये होती है बेटा नंबर की एक्सपोनेंट फॉर्म, मतलब नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होता है, जितने बार मल्टीप्लाई होता है वो उसकी पावर में लिख देते हैं। जैसे 5 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, 5 की पावर 2। अब किसी नंबर की पावर 2 हो बेटा उसको स्क्वेयर भी बोलते हैं, स्क्वेयर ऑफ 5, 5 का स्क्वेयर कितना, 5 का स्क्वेयर मतलब 5 की पावर 2 हो रही है। 7 की पावर 3 यानी 7 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यूब ऑफ 7, 7 का क्यूब कितना, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा। तो पावर 2 हो तो उसको स्क्वेयर बोलते हैं, पावर 3 हो तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। अब आप ध्यान देंगे ये जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर के लिए ये जो बात लिखी हुई है सिर्फ इस चैप्टर के लिए लिखी हुई है, सभी चैप्टर्स के लिए नहीं, सभी एक्सपोनेंट और पावर के लिए नहीं है। इस चैप्टर में ये जो बेस होगा, नंबर बेस होगा, ये तो एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। रैशनल नंबर आपको पता है कोई भी प्लस का नंबर और माइनस का नंबर और ऐसे बटे में जो नंबर होता है वो रैशनल नंबर होता है। तो बेटा ये तो रैशनल नंबर होगा, और पावर है ना, हमें इस चैप्टर में या तो पॉजिटिव इंटीजर मिलेगी, मतलब वह 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर होते हैं वो, या इसमें पावर मिलेगी 0। और भी पावर्स के लिए ये एक्सपोनेंट और पावर होता है, लेकिन इस चैप्टर के लिए यहाँ पे रैशनल नंबर मिलेगा और पावर एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगी। तो इस चैप्टर को हम इस प्रकार आगे सोल्व करेंगे। तो ये तो था पेज नंबर 78 में हमें क्या बताया गया है कि एक्सपोनेंट क्या होता है और बेटा उसको हम राइट कैसे करते हैं, बेस क्या होता है, डिग्री क्या होती है। तो ये बात आप यहाँ से समझ गए होगी। नेक्स्ट वीडियोज में हम इसका सेकंड पेज को डिस्कस